यदुल्ला हुसैनी अलमारूफ निजाम बाबा साहेब ने हजरत सैयद शाह कबूलुल्लाह हुसैनी ख्वाजा गंजबख्श जानशीन ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 594वें उरूस के मौके पर झीले की रस्म जलसा अजमत औलिया मनखबातिया मुशायरा संदल चिरागा और जियारत के अलावा दीगर कदीम रस्म रिवायत की तफसीलात बताई हैं। हर साल यहाँ इसी तरह बड़े पैमाने पर उरूस मनाया जाता है और दूर दूर से जाहिरीन यहाँ शिरकत करते हैं। निजाम बाबा साहेब ने जिले की रस्म से लेकर संदल चिरागा और जियारत की तमाम डिटेल बताते हुए सभी जाहिरीन के हक में दुआएं की हैं। मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कश्ती मेरी लो खबर बहरे मोहम्मद लो खबर बहरे मोहम्मद मुस्तफा या गंजबख्श आज बरोज़ 28 अक्टूबर 2024 को महफिल खुल से पहले मैं ये बयान रिकॉर्ड करा रहा हूँ। खुतबुल खिताब हज़रत सैयद शाह कबूलुल्लाह मोहम्मद मौजूद हुसैनी हज़रत ख्वाजा गंजबख्श नबीर व जानशीन हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का 594वां उर्से शरीफ आज अख्तिताम को पहुँच रहा है, जो तकरीबन 21 तारीख को झेले की रस्म से शुरू हुआ था, 23 तारीख को जलसे बवनवान अजमत औलिया हुआ, फिर बाद में एक तरही मुशायरा 24 तारीख को हुआ, 26 तारीख को संदल की महफिल हुई जो खानखा हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ जो गुलबरगा की कदीम खानखा है जो किले के पास मौजूद है वहाँ से महफिल संदल के बाद संदल का जुलूस वहाँ से रवाना हुआ, देर रात दरगाह शरीफ पहुँचा, फिर अगले रोज़ सुबह हज़रत सज्जाद नशीन साहब के दस्ते मुबारक से संदल माली की रस्म अंजाम पाई, फिर बंद समा जो हज़रत ख्वाजा के सुदरास के खानवादे के एक मखसूस चीज़ है बंद समा दुआ सलामती और लंगर पर कल वो महफिल इख्तिताम को पहुंची। कल शाम चिरागों की महफिल हुई जहां पर मुल्क के हमा इलाकों से खवाल हजरात ने अपने कलाम पेश किए। आज खिदमत चिरागों और खिदमत ज़ियारत हुई जो हमारी ख़ानदानी रिवायतों के हिसाब से होता हुआ आज फुल की महफिल शुरू हो रही है हज़रत सज्जाद नशीन साहब की ज़ेर निगरानी। इंशाल्लाह महफिल फुल रंग के साथ अख्तिताम को पहुँचेगी, इसी के साथ उर्स शरीफ का भी अख्तिताम होगा। मैं तमाम ज़ायरीन जिन्होंने यहाँ तशरीफ लाए और यहाँ जिन्होंने यहाँ पर हज़रत ख्वाजा गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के नाम से लंगर किए और तमाम ने हाज़री दी, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उनकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। आमीन।